हाय गाइस, वेलकम टू एमआर कुमार टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही लाइक और सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाइना का 32 इंच LED TV है। तो गाइज, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टैंड बाई वोल्टेज भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई इसमें सप्लाई मिल रही है। तो मैं इसका स्विच ऑन करके चेक करता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मेन फिल्टर पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर अपने को 300 वोल्ट अवेलेबल मिल रहे हैं, यानी कि इसका प्राइमरी सेक्शन सही है। सेकेंडरी में हम चेक करते हैं तो गाइस, यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई जो बैकलाइट सेक्शन को जाती है वो यहाँ पर प्रॉपर अवेलेबल है। ये डायोड की जगह यहाँ पे मॉस्फेट यूज किया है, ये डायोड का ही काम करता है। ये दो मॉस्फेट लगे हुए हैं, तो ये वाली सप्लाई जो है 14 वोल्ट की ओके है। इस वाली पे हम चेक करते हैं तो ये सप्लाई कुछ सेकंड के लिए आके गायब हो जा रही है, गुम हो जा रही है, आ रही है जा रही है। यानी कि गाइस, ये यहाँ से यहाँ आगे जो सप्लाई जा रही है इसमें कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। तो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं, शॉर्टिंग को। तो शॉर्टिंग को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस मॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। चेक करते हैं मीटर को बजर मोड पे करने के बाद कि यहाँ पे शॉर्टिंग है क्या। इस मॉस्फेट पे हम लगा के टेस्ट करते हैं तो कोई शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है। ये ठीक है, ये साइड से ठीक है, इधर से हम बीप आ रहा है, देख सकते हैं आप मीटर पे 0 रीडिंग आ रही है और बीप आ रहा है। तो सबसे पहले मॉस्फेट को चेक करते हैं कि मॉस्फेट ख़राब है या सही है। तो गाइस, मॉस्फेट को निकाल के टेस्ट करते हैं। तो गाइस, इसका मॉस्फेट जो है मैंने निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसका मॉस्फेट मैंने निकाल के अलग कर दिया है। मॉस्फेट को हम पहले सबसे पहले टेस्ट करते हैं, ये ठीक बता रहा है। इधर से चेक करते हैं, ये मीटर बजर मोड पे है, ये ठीक है, ये एक साइड से बता रहा है और ये नहीं बता रहा है। यानी कि ये डायोड है, मॉस्फेट लगा हुआ है, मॉस्फेट डायोड का ही काम करेगा ये। तो यहाँ पर हम एक प्रोब को ग्राउंड करेंगे तो यहाँ पे बीप आ रहा है, इधर से भी टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे बीप आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस पर PF को चेक किया था। यहाँ पे सबसे पहले एक PF कैपेसिटर जो लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिग वगैरह निकाल के अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो ये जो PF है यहाँ पर, तो इसका भी फॉल्ट नहीं था। फिर मैंने इसमें दोनों फिल्टर को चेक किया था। मैं मीटर को थोड़ा साइड में करके बोर्ड को ठीक से रख लेता हूँ। फिर मैंने इसको, इसके जो मेन फिल्टर हैं दोनों, कंडेंसर कैपेसिटर जो भी आप बोल सकते हैं, इनको दोनों को भी टेस्ट किया, ये भी शॉर्ट नहीं थे। इससे आगे सप्लाई मिलती है हमें इस PF पे। यहाँ पे एक IC लगी हुई है 6 पिन की, इस IC के पास में फिल्टर है AC PF फिल्टर, तो इसको भी चेक किया। इसके बाजू में एक छोटा सा माइक्रो PF लगा हुआ है, इसको भी हमने चेक किया, ये भी एकदम ओके है। इस IC को निकाल के भी इसका शॉर्टिंग चेक कर लिया, ये भी यहाँ तक भी एकदम ओके है। इसके बाद में जो ये कैपेसिटर के नीचे से इस IC पे सप्लाई का ट्रैक आ रखा है, तो मुझे डाउट हुआ कि इस IC में शायद प्रॉब्लम हो। यहाँ तक भी मैंने इस IC को हटाया तो नहीं,
पर इस आईसी की डाटा शीट जब निकाल के देखा तो कंफर्म हुआ कि ये बैकलाइट सेक्शन के जो यूज़ में होने वाली आईसी है। तो यहाँ से इस आईसी को हटाने से पहले बैकलाइट की जो सप्लाई है इधर आगे जा रही है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे मुझे छोटा सा, मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पे ये पीएफ कैपेसिटर ये शॉर्ट मिला। मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए ये बीप है। तो यहाँ से सारी जगह शॉर्टिंग हो रही है, तो मैं इस पीएफ को निकाल दे रहा हूँ। तो गाइज मैंने इस पीएफ को निकाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पीएफ शॉर्ट है, बीप की आवाज़ आप ध्यान से सुनना। ये पीएफ जो है दोनों साइड से चेक किया तो शॉर्ट है। ठीक है गाइज, अब हम इस बोर्ड पे टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड करके। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। थोड़ी देर के लिए आएगा ये, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये बजर बंद हो गया, यानी कि यहाँ पे अब कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो गाइज मैं इस बोर्ड पे वापस को मॉसफेट को लगा के और फिर चेक करते हैं कि अपना बोर्ड ओके हुआ या नहीं। मैंने इस मॉसफेट को वापस लगा दिया है गाइज, अब हम चेक करते हैं। मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड किया तो ये एक बार बीप आया और गया, इधर से हम चेक करते हैं गया, यानी कि ये शॉर्टिंग जो है अपनी इस कैपेसिटर की वजह से थी। ये जो कैपेसिटर आप देख सकते हैं छोटा सा पीएफ कैपेसिटर है, मैं इसको साइड में रख दे रहा हूँ। तो मैं मीटर को डीसी वोल्ट पे कर लेता हूँ, अब हम टेस्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये यहाँ अपने को स्टैंड बाई वोल्टेज आ गए हैं और एलईडी ग्लो हो चुकी है, यानी कि अपनी सप्लाई ओके हो गई। ये यहाँ पे 18 वोल्ट ओके हैं, यहाँ पर अपने को वोल्ट नहीं मिल रहे थे तो 11.88, यानी कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है ये ओके है। मैं मीटर को थोड़ा साइड में रख देता हूँ और एलईडी को अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ। मैं मोबाइल को थोड़ा स्टैंड से हटा लेता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ से स्टैंड बाई वोल्टेज रिलीज़ करता हूँ, ये यहाँ से मैंने रिलीज़ किया तो ये स्टैंड बाई से ऑन हो चुकी, ये देख सकते हैं बैकलाइट ऑन हो चुकी है, यानी कि अपना कार्ड एकदम ओके हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एलईडी एकदम ओके चल चुका है। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।